अभी 5G के साइट पे हैं, एयरटेल 5G पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऊपर में 5G लैच किया हुआ है, 5G से कनेक्ट है ये। अब कैसे इसका अभी चेक करते हैं कि कैसे 5G के थ्रूपुट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इस वो स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट करेंगे DL का, और DL का थ्रूपुट देखने के लिए DL का, और UL का थ्रूपुट देखने के लिए UL का। तो DL का थ्रूपुट चेक करते हैं पहले यहाँ पे क्या आ रहा है। स्क्रिप्ट स्टार्ट करने में थोड़ा सा समय लेता है ये। अभी ऊपर में आ गया ये यहाँ पे NR AR FCN NR band एंड NR PCI। जब तक NR PCI शो नहीं करेगा आपको तब तक वो 5G से आपका लैच नहीं होगा। तो यहाँ NR PCI दिखा रहा है 455, तो ये 5G से PCI 5G के PCI से लैच है। अभी हम स्टार्ट करेंगे DL। DL स्टार्ट हो गया है, थ्रूपुट चेक करने में कितना है। तो NR डेटा में जाएंगे, थ्रूपुट इसमें बहुत कम आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। आएगा थोड़ा टाइम लेके। जैसे अभी मेन लुक में, इसके मेन लुक में है नहीं, अभी मेन लुक में चलेंगे क्योंकि यहाँ पर शाइनर ख़राब है। जैसे शाइनर का ख़राब होने के बावजूद भी थ्रूपुट आ जाता है, तो जैसे मेन लुक में जाएंगे वैसे थ्रूपुट बढ़ेगा। अभी ओके, धीरे धीरे थ्रूपुट बढ़ना स्टार्ट हो गया है। लिखा हुआ DL NR PDSGH थ्रूपुट, तो ये जो DL का जो है थ्रूपुट NR का थ्रूपुट है। ये अभी थ्रूपुट 553 आ रहा है, 553 तो बहुत कम ही थ्रूपुट है। ये ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन NR PCI पर मैंने दूसरा PCI सेलेक्ट कर दिया है। हम धीरे धीरे हम मेन लुक में जा रहे हैं। मेन लुक में जाने के बाद आपका RSRP SINR सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ पे थ्रूपुट कलेक्ट करना है, चेक करना है कि थ्रूपुट थ्रू कितना आ रहा है। जो मिनिमम क्राइटेरिया है थ्रूपुट का एयरटेल 5G का वो है 700 Mbps, मैक्सिमम बहुत जा सकता है 1000-1300 Mbps तक, 1400 Mbps तक जा सकता है। अभी यहाँ पर आ गया, मैक्सिमम आया 822 Mbps। हम इसमें यहाँ पे एंकरिंग भी चेक करते हैं। एंकरिंग चेक करने के लिए बैंड सेलेक्ट करेंगे 4G का एयरटेल, तो फोर स्लॉट में जाएंगे और LTE बैंड लॉक में जाएंगे, बैंड वन सेलेक्ट करेंगे। बैंड वन सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ 5G लैच किए हुए NR PCI खेलने पर दिखा रहा है। तो अब हम इसको ये LTE सेल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको शो करेगा ARFCN 265, तो ये 265 ARFCN जो है वो बैंड वन का है। तो बैंड वन सेलेक्ट करना, यानी बैंड वन से एंकरिंग है। बैंड वन सेलेक्ट करने के बाद ये 5G से लैच है, NR PCI लैच किए हुए। तो बैंड वन से एंकरिंग अगर नहीं किया रहता तो NR PCI नहीं आता। अगर केवल PCI लिख के आता तो इसका मतलब बैंड वन से वो एंकरिंग नहीं है। इसी तरह बैंड 6G से चेक करेंगे, सेलेक्ट करके है कि नहीं है। NR PCI आ रहा है सेलेक्ट करने के बाद भी, और ये ARFCN बैंड 3 का है 1346, तो बैंड 3 से भी लैच है, एंकरिंग है। इसी तरह बैंड 8 से करेंगे चेक, ये बैंड 8 से NR PCI ARFCN बैंड 8 का ये 3676 है। तो ये बैंड 8 से भी एंकरिंग है। बैंड 40 चेक करेंगे, बैंड 40 सेलेक्ट करेंगे, बैंड 40 सेलेक्ट करने के बाद ही NR PCI है
और ये बैंड 40 का ERF से 40-150, तो ये चारों बैंड से एंकरिंग है, बैंड 1 से, बैंड 3 से, बैंड 8 से, बैंड 40 से एंकरिंग चेक करते हैं। उसके बाद स्पीड चेक कर लिए डीएल का, कितना स्पीड एनआर डेटा में जाकर कितना स्पीड आ रहा है, यहाँ से भी स्पीड चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम हैंडओवर चेक करते हैं कि जो मेरा हैंडओवर वो 5G से 5G हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हैंडओवर चेक करने के लिए आपको नेबर की तरफ जाना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करके सर्विंग सेल जो है आपकी जो साइट इनोड भी है जो है उससे कनेक्ट करके आपको नेबर का जो इनोड भी है उस तरफ जाना पड़ेगा। 5G में अगर लैच कर रहा है, हैंडओवर ऑन हो रहा है, NRPCI आ रहा है 5G का, नेबर का कनेक्ट हो रहा है तो हैंडओवर डिफाइंड है, अगर नहीं हो रहा है तो हैंडओवर डिफाइंड नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है साइट बहुत दूर में लगी हो, तो उससे बस अगर साइट नज़दीक में है हैंडओवर होना चाहिए। मिनिमम जो RSRP जो है अगर 100 से ऊपर जा रहा है और फिर भी वो हैंडओवर नहीं हो रहा है, 100 से नीचे जा रहा है और हैंडओवर नहीं हो रहा है, 4G में जा रहा है तो वो हैंडओवर डिफाइंड नहीं है नेबर से। अगर ज़्यादा 100 से ऊपर जा रहा है फिर हैंडओवर नहीं हो रहा है, आगे सर भी 100 से ऊपर ज़्यादा जाएगा हैंडओवर नहीं हो रहा है, फिर वो 4G से जा रहा है तो वो साइड बहुत दूर मिलेगी है। तो हैंडओवर चेक करते हैं, हैंडओवर कराना बहुत ज़रूरी है, 5G हैंडओवर होना चाहिए मेन लुक में कम से कम। तो इस तरह से हम DL का स्पीड चेक करेंगे।